पूर्व सांसद पप्पू यादव के जेल जाने के बाद भी उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल नहीं टूटा है। अभी भी पार्टी के सेवा दल के द्वारा लगातार अस्पतालों में कोविड मरीजों के परिजनों, गरीब रिक्शे ठेले वालों को भोजन और पानी मुहैया कराया जा रहा है। जाप सेवा दल के द्वारा आज NMCH के पास में सैकड़ों गरीबों को खाना दिया गया। वहीं जाप नेता ने ये भी कहा कि पप्पू यादव के जेल जाने के बाद भी उनका काम नहीं रुका है। जो उनके द्वारा काम पहले से चलाया जा रहा था, उनका खुद निर्देश है कि चाहे मुझे जो भी हो जाए, मेरे हर काम को जो मेरे द्वारा चल रहे थे, गरीबों में खाना बांटना, जरूरतमंदों को खाना देना, ऑक्सीजन देना, दवाई देना, हॉस्पिटल में बेड उपलब्ध कराना, निजी अस्पतालों की जो मनमानी चल रही थी उसके विरुद्ध लड़ना, ये किसी भी तरह का कोई काम में बाधा नहीं होना चाहिए और वो निरंतर है जो कि चलते रहना चाहिए, खास उनका साफ निर्देश है। और इसी के तहत सेवा दल निरंतर जो है वो अपना कार्य चालू कर रहा है। ये पता चला सेवा दल का यही काम है, जिसका कोई नहीं है उसके लिए सेवा दल, और जिसका सब कुछ है लेकिन उसके पास सुविधा भी नहीं है उसके लिए भी सेवा दल। माने कोविड माने डेड बॉडी को भी आप लोग ले जाके? बिल्कुल, कोविड डेड बॉडी भी हो, वहाँ कोई सुविधा आपको नहीं मिल रहा है तो उस स्थिति में आपके लिए सेवा दल है यहाँ पर। आप इसका कोई नंबर जारी करेंगे जिसमें क्या? नंबर ऑलरेडी जारी है पहले से। अच्छा। हम लोगों का सभी जिला वाइज और यहाँ का खासकर जो 3 नंबर खाने के लिए जारी है उसी पर ही लोग संपर्क कर ले रहे हैं। हेल्पलाइन सुबह हमारे कार्यालय में भी आ जा रहे हैं, लोग भी वहाँ पर कर दे रहे हैं। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।